अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपको 15.06G टी और एफ का लोगो चेंज करने का तरीका बताऊंगा। तो बहुत से दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर 15.06G का लोगो किस तरह चेंज करते हैं। तो आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सॉफ्टवेयर है एक्स वर्कशॉप एक्स एडिटर, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर ये देखें, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है 15.06G का 4 MB में, तो मैं इसका लोगो चेंज करता हूँ। तो सबसे पहले आपने इसको हैक्स वर्कशॉप में हैक्स एडिटर में ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपने आ जाना है एडिट में। एडिट में आने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले आ जाना है फाइंड में। कंट्रोल एफ़ करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने हेक्स वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपने कोड डायल करना है 5, मैं यहाँ पर डायल कर देता हूँ 5D40। तो इंटर कर देना है। फाइंड आल पे आपने रहने देना है, तो और डाउन, उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये देखिए कोड आ गया है। तो उसके बाद आपने एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट ब्लॉक, तो इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने एक कोड डायल करना है 0000063E05। तो यहाँ पर आपने हेक्स ही रहने देना है एंडिंग पोजीशन। उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये देखे सेलेक्ट हो गया है, तो इसको आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने एक न्यू फाइल लेनी है। फाइल पर जाना है और न्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये देखें न्यू फाइल आ गई। तो यहाँ पर आपने आकर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें जो हमने कॉपी किया तो पेस्ट हो गया। तो उसके बाद हमने सेव कर लेना है इसको। यहाँ पर ये यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल में जाकर आपने सेव कंट्रोल एस भी कर सकते हैं, सेव करना है। तो यहाँ पर मैं डिस्कटॉप पर इसको सेव करना, तो इसका नाम दे देता हूँ 15.06G। कोई भी नाम लिख सकते हैं आप फाइल का, तो मैं 15.06G लिख देता हूँ। तो 15.06G5 कोई भी, तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। यहाँ पर ये देखें डिस्कटॉप पर सेव हो गई है। यहाँ पर ये देखें जो हमने सेव किया था, तो उसके बाद आपने इसको 7GB में एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 7GB का, तो वहाँ से डाउनलोड करना और इंस्टॉल कर लेना कंप्यूटर में। तो एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपके पास एक न्यू फाइल आ जाएगी इसके नीचे। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद यहाँ पर ये देखें एक न्यू फाइल आ गई है। तो उसके बाद आपने इसको कर देना क्लोज़। क्लोज करने के बाद इसको आपने जो फाइल आपको न्यू मिलेगी तो उसको आपने हेक्स एडिटर में ओपन करना है। हेक्स एडिटर में ओपन करने के बाद आपने कंट्रोल एफ। तो यहाँ पर आपने आ जाना है टेक्स्ट स्ट्रिंग में। यहाँ पर एक कोड डायल करना है आपने। यहाँ पर आपने लिखना है सिस्टम -J लिखना आपने। माइनस आपने प्लस के साथ ही माइनस का, तो शिफ्ट और माइनस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखें आ गया, तो जे सिस्टम -J करना है आपने। तो यहाँ पर आपने फाइंड आल UTF करना है, तो डाउन, उसके बाद आपने कर देना ओके। तो यहाँ पर ये देखें आ गया जो हमने कोड डायल किया था। तो यहाँ से आपने इसको लेफ़्ट क्लिक करके रखना है और ऊपर जाने देना है। जैसे ही आप जाने दें तो आपने जाना है एग्जे फाइल पर। आपको नज़र आ जाएगा, आपको दिखा देता हूँ FF8D। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने एग्जे फाइल तक सेलेक्ट करना है इसको। एग्जे फाइल यहाँ पर ये देखें एग्जे फाइल, तो आपने इसको इतना सेलेक्ट करना है एफ एफ
D8 FFD8 तक आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद न्यू फाइल यानी आपने कंट्रोल N, तो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है इसको। पेस्ट करने के बाद आपने इसको तो यहाँ पर आपने करना है इसको सेव। आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद आपने आ जाना है सेव में। कंट्रोल एस भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर आपको कर चेक करा देता हूँ सेव। तो मैं कर लेते हैं इसको डिस्कटॉप पे। डिस्कटॉप में नाम दे देता हूँ इसको न्यू लोगो का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू लोगो, न्यू लोगो। तो उसके बाद आपने ये ख्याल रखना है डॉट जेपीजी फाइल, डॉट जेपीजी ये आपने लाजमी लिखना है डॉट जेपीजी। तो उसके बाद मैं कर देता हूँ इसको सेव। यहाँ पर ये देखे कोई फाइल नहीं है, तो मैं जैसे ही सेव करूँगा एक न्यू लोगो हमारा आ जाएगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको सेव। तो यहाँ पर ये देखें न्यू लोगो के नाम से हमने सेव किया, तो इसको कर देता हूँ मैं मिनिमाइज़। तो यहाँ पर ये देखें हमने न्यू लोगो के नाम से सेव किया था इसको, तो जो पहले से इसमें लोगो लगा हुआ था वो लोगो निकल आया है। तो दूसरा ऐड करके आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ये देखें ये पहले से लोगो लगा हुआ था, तो इंशाल्लाह दूसरा स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।